ग्वालियर में पूरे प्रदेश की तरह 5 फरवरी से विकास यात्रा का दौर शुरू हो रहा है और विकास यात्रा की तैयारी के लिए जिले के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ग्वालियर पहुंच चुके हैं। उन्होंने आज कलेक्ट्रेट परिसर में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ एक आवश्यक बैठक की। इस बैठक में प्रभारी मंत्री ने सरकार की विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुँचाने के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया। अपने 2 दिवसीय प्रवास के दौरान प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और विकास यात्रा को लेकर विचार विमर्श किया गया। इसी कड़ी में प्रभारी मंत्री 4 फरवरी को तहसील बितरवार के ग्राम बनवार में पहुंचकर पीएम आवास, आंगनवाड़ी, अशासकीय उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण करेंगे। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जुड़ी योजनाओं की जमीनी हकीकत भी जानेंगे। ये ठीक है ना, पूरी जिम्मेदारी दे दिया, ठीक है ना, ये दाढ़ी तो दे रहा हूँ। तो आपके साथ ही सहमत है प्रभारी मंत्री ने, दोनों अध्यक्ष समझते हमारे। पहले ही मैंने आभार ग्रहण किया है उस प्रभारी मंत्री जी का और गणमान्य जन का स्वागत करता हूँ। एक नवाचार विकास का, प्रगति का, उन्नति का, हाँ विकास का, प्रगति का और उन्नति का एक विकास यात्रा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश की और प्रदेश की, जो डबल इंजन की सरकार है, एक का नेतृत्व हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री परम सम्मानी नरेंद्र मोदी जी करते हैं और मध्य प्रदेश का नेतृत्व किसान का बेटा मुख्यमंत्री शिवराज जी करते हैं। विकास की यात्रा, विकास का संकल्प, विकास का विश्वास जो हमने उपलब्धि की है हर गांव, हर वार्ड, हर शहर में ये विकास की यात्रा निकल रही है। आपको पता है कि लगभग एक उदाहरण आयुष्मान का दे रहा हूँ, लगभग 6 लाख आयुष्मान के कार्ड बन चुके हैं। कितने लाख? 6 लाख। 6 लाख। आपको पता है एक बीमारी हमने देखी थी कोविड में, प्रथम चरण चला गया, द्वितीय किसी की माँ चली गई, किसी का बेटा चला गया, ये वैक्सीन के साथ ये आयुष्मान कार्ड एक विश्वास का संकल्प बना। ये इसी प्रकार से एक अभिलाषा होती है, एक इच्छा होती है कि खुद का मकान, प्रधानमंत्री आवास, ऐतिहासिक काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और उस संकल्प को पूरा करने का काम मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किया। और ये प्रधानमंत्री आवास उस गरीब की अभिलाषा को, उस गरीब की भावनाओं को पूरा करेगा, खुद की छत हो और खुद का आंगन हो, ये प्रधानमंत्री पक्का मकान बना के भारतीय जनता पार्टी दे रही है। आपको याद होगा निःशुल्क अनाज हम दे रहे हैं गरीबों को, ये बहुत बड़ी उपलब्धि। और इसी को जल जीवन मिशन क्योंकि एक सपना था, क्योंकि हमारी माँ और बहन टोटियों से पानी, हेडपम्प से पानी भरने जाती थी, देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने उनके घर के सामने टोटियों से पानी भरने का संकल्प, ये विकास के जल जीवन मिशन योजना के साथ ये योजना हमने प्रारंभ की। और इसी के साथ आप जानते हैं कि राशन और जो पात्र लोग हैं, नामांकन, बंटवारा, सीमांकन पूरे किए जाएंगे, कोई भी लंबित नहीं रहेगा। जो आपको कारण बदलाना पड़ेगा, जो हमने इसका नामांतरण